फेल होने से कभी मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि यदि तुमने आज प्रयास नहीं किया तो अगले साल भी तुम उसी जगह पर रहोगे जहां पर आज हो। इसलिए प्रयास करो और प्रयास करने से ही आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में इस करेंगे हम 25 जून के करंट अफेयर पे, और आज के वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े इतने भी स्पेशल पॉइंट हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे, तो आपके 5 प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो के PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो देखिए, ये देश आपका है इंडोनेशिया। और दूसरा था कि हाल ही में भारत का किस देश के साथ काला पानी विवाद सामने आया है। तो देखिए, ये देश आपका नेपाल है। और तीसरा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो आपके विजय खंडूजा है, उनको जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। चौथा था, किस व्यक्ति को जो है रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो देखिए, इनका नाम है आर मस्कोई। और पांचवा था कि किसके द्वारा डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू की गई। तो देखिए, इसको शुरू किया अभी हाल ही में नीति आयोग ने। और इस परियोजना के बारे में डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर लेगा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच यानी कि हेड कोच बनाए गए हैं, इनका नाम है वसीम जाफर। देखिए, वसीम जाफर के बारे में सबसे खास बात यह है, ये जो है रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। और देखिए, आपको बता दूं, जो आपके वसीम जाफर, इन्होंने इसी साल मार्च 2020 में जो है संन्यास लेने की घोषणा की थी, और उसके बाद फिर अब इनको एक नई जिम्मेदारी मिली है उत्तराखंड क्रिकेट टीम के जो है मुख्य कोच के रूप में। ठीक है, तो अब ये उत्तराखंड की क्रिकेट टीम को जो है कोचिंग देंगे। और देखिए, जो आपके वसीम जाफर हैं, तो इनका जन्म 16 फरवरी 1978 को महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। और एक चीज़ और याद रखना है, जो आपके वसीम जाफर, ये जो है विदर्भ और महाराष्ट्र की तरफ से जो है रणजी ट्रॉफी खेलते थे। और देखिए, प्रथम बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की, ठीक है, जहाँ का इनको हेड कोच अपॉइंट किया गया है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के बारे में चार खास बातें सबसे पहले याद करिएगा। देखिए, उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को। और उत्तराखंड की पॉपुलेशन है 1.01 करोड़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड की जो गवर्नर, इनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और देखिए, उत्तराखंड की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए, जो आपका उत्तराखंड राज्य है, ये कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है इंडिया के मैप में। और आज आपको मैप को देख के बताना है कि उत्तराखंड जो है यहाँ पर किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा बना रहा है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ किन दो देशों के साथ लग रही हैं। देखिए, ऐसा करने से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको कभी नहीं भूलेगा कि उत्तराखंड अपनी सीमाएं किन किन राज्यों के साथ और किन किन देशों के साथ रहता है। तो अभी जल्दी से बताइए। और देखिए, उत्तराखंड के बारे में आपको एक फैक्ट और रखना है। देखिए, उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, और राजा जी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर यानी कि जो आपका फूलों की घाटी वाला नेशनल पार्क है, ये भी आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और जो आपका नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और देखिए, आपको बता दूं, जो आपका ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है और नंदा देवी नेशनल पार्क है, इन दोनों को जो है 1988 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और देखिए, जो आपका ये गंगोत्री नेशनल पार्क है और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क सेंचुरी है, ठीक है, ये स्थित कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। तो देखिए, इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया गया बिहार में राजस्थान राज्य में, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने बिहार में इसको लॉन्च किया है। देखिए, जो आपकी ये इंदिरा रसोई योजना है, इसके अंतर्गत जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, इनको रियायत दरों पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। और इस योजना पर जो है राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपये खर्चा करेगी। ठीक है, तो जितने लोग राजस्थान से, वो खास तौर से इस पे ध्यान देंगे, बाकी सभी लोगों को इसको याद रखना है कि इंदिरा रसोई योजना जो शुरू की गई है राजस्थान राज्य में। और देखिए, जो आपकी ये इंदिरा रसोई योजना है, इससे मिलती जुलती एक और योजना है राजस्थान राज्य सरकार की, जिसका नाम है अन्नपूर्णा रसोई योजना।
और इसको स्टार्ट किया था उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। और देखिए इसके अंतर्गत 5 रुपये में जो है भरपेट नाश्ता और 8 रुपये में भरपेट भोजन जो है मुहैया कराया था। तो ये चीज़ रखेगा अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में भी। और राजस्थान के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका राजस्थान राज्य है, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत, राज्यपाल यहाँ के हैं कलराज मिश्रा जी। और एक जो आपका राजस्थान राज्य है, यहाँ की राजधानी है जयपुर, और जयपुर को हम पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। और राजस्थान की एक खास बात है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जो आपका राजस्थान राज्य है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और राष्ट्रीय सीमाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती हैं। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। और जो आपका राजस्थान राज्य, देखिए वहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं। देखिए राजस्थान में जो है डिजर्ट नेशनल पार्क स्थित है, और केवला देव नेशनल पार्क स्थित है जो कि एक बर्ड सेंचुरी है, और वहाँ पे जो है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क स्थित है, और राजस्थान में जो है रणथंभौर नेशनल पार्क भी स्थित है, और राजस्थान में ही सरिस्का टाइगर रिजर्व भी स्थित है। तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए जो आपके के रघुनाथ हैं, ये जो है कर्नाटक राज्य के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए जो आपके के रघुनाथ हैं, इनके बारे में खास बात क्या है। देखिए जो आपके के रघुनाथ हैं, तो ये जो है लोकप्रिय बीगल्स बास्केटबॉल क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, और रघुनाथ जो है ये साल 1958 में बास्केटबॉल से जुड़े थे। और बात कर लेते हैं बास्केटबॉल गेम की। देखिए बास्केटबॉल जो है ये एक टीम खेल होता है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं, जो कि एक दूसरे के खिलाफ जो है 10 फीट यानी कि कुल 3.048 मीटर ऊंचे जो है घेरे यानी कि गोले में, देखिए यहाँ पे आपको एक गोला दिख रहा है, ठीक है, तो इस गोले में संगठित नियमों के तहत जो है एक गेंद डालकर जो है अंक अर्जित करते हैं, यानी कि ये बॉल है उसको उठाकर जो है इसको जो है डालना होता है इस गोले में, ठीक है। तो इस गोले में डालने के बाद उनको यानी कि जो टीम इसमें डालेगी उसको जो है एक अंक मिल जाएगा। तो ये आपका होता है बास्केटबॉल गेम। और इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, और 2 टीमें जो है इसमें आपस में भिड़ंत होता है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने जो है स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप जिसका नाम है अफोर्ड प्लान के साथ जो है भागीदारी की है। तो देखिए ये बैंक आपका है यस बैंक, और यस बैंक ने जो आपका ये स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया, इसकी खास बात यह है कि इसको आप मिनिमम 100 रुपये से और मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपए से जो है आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, और रिचार्ज करने बाद आप जो है बीमा कैशबैक लाभ और जो आपका रोग विभाग है वहाँ पर जो उपचार में इसका उपयोग कर सकते हैं, और ऋण सुविधाओं का जो है लाभ ले सकते हैं इस स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से। और देखिए यस बैंक की बात कर लेते हैं, जिसने ये स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है। देखिए यस बैंक जो है इसके CEO हैं प्रशांत कुमार, और इसकी स्थापना राणा कपूर ने 2004 में की थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड में जो है अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। याद रखिएगा कि जो आपके नटराजन चंद्रशेखरन हैं, इनको जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है, और इनको 2 साल की अवधि के लिए जो है इस पद पर अपॉइंट किया गया है। और देखिए जो आपके नटराजन चंद्रशेखरन है, इनके बारे में सबसे खास बातें हैं कि ये वर्तमान में जो है टाटा सन्स के अध्यक्ष भी हैं। और बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। देखिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, और इसके जो 25वें गवर्नर है वर्तमान में, इनका नाम है शक्तिकांत दास, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, ठीक है। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन बाद में ट्रांसफर करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर कर दिया गया, मुंबई में। छठा प्रश्न है कि 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के बाहर दुनिया का जो पहला योग विश्वविद्यालय है ये किस देश में शुरू किया गया है। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। अभी हाल ही में अमेरिका में जो है दुनिया का जो पहला योग विश्वविद्यालय जो कि भारत के बाहर है, ठीक है, ये शुरू किया गया। देखिए यहाँ पे चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत में बहुत सारे योग विश्वविद्यालय हैं, हम बात कर रहे हैं भारत के बाहर जो दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए इस विश्वविद्यालय को अमेरिका में शुरू किया गया है, और इसको विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम दिया गया है, शॉर्ट में इसको वायु नाम दिया गया है। और देखिए इसे जो है अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्थापित किया गया है, ये जो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दूं कि जो आपके प्रोफेसर श्रीनाथ हैं, तो इसको जो है इस विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का जो है अध्यक्ष नामित किया गया है, और जो आपके भारतीय योग गुरु हैं जिनका नाम है HR नागेंद्र, ठीक है।
तो इनको जो है इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि जो दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है भारत के बाहर, ठीक है, इसको स्थापित किया गया है अमेरिका के लॉस एंजल्स में, और उसका नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, और साथ में इसको वायु नाम दिया गया है। सातवां प्रश्न की, हाल ही में पूर्णिमा जानेन का निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो देखिए, जो आपकी पूर्णिमा जानेन है ये जो है राइफल शूटिंग से जो है जुड़ी हुई थी, ये जो है एक शूटर थी। और देखिए, जो आपकी पूर्णिमा ये पिछले 2 सालों से जो है कैंसर से पीड़ित थी, और भी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है टी रविशंकर। तो बिल्कुल एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि बिहाली में टी रविशंकर को भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए, जो आपका ये इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। नवा प्रश्न है कि इंडियन रिसीवर चिप जिसका नाम है ध्रुव, इसको जो है किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए, जो आपका ध्रुव नामक इंडियन रिसीवर चिप है, इसको विकसित किया है IIT बॉम्बे के जो आपके रिसर्चर्स हैं उन्होंने, ठीक है। देखिए, जो आपका ये ध्रुव नामक चिप है, इसकी खास बातें क्या है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आपका ये चिप है ध्रुव, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन और रूट गैजेट्स में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। और जो आपका ये इंडियन रिसीवर चिप है ध्रुव, ये काम कैसे करेगा? देखिए, ये मदद लेगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम समूह के जितने भी नेविगेशन उपग्रह हैं उनका, तो उनसे प्राप्त संकेत के जरिए जो है ये ठीक उसी प्रकार काम करेगा जैसे अमेरिका का GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है काम करता है। तो अब जो है इंडिया के पास एक ऑप्शन है ध्रुव का, अब हमको GPS के सहारे नहीं रहना पड़ेगा, अब हम जो है ध्रुव का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कहीं भी लोकेशन ट्रैक करना है, मान लीजिए अगर हमें जो है उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाना है, तो वहाँ पे ये पूरी रूट दिखा देगा कैसे कैसे किस हाईवे से होकर आप जो है दिल्ली जाएंगे, ठीक है। तो ध्रुव जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसको किसने तैयार किया है? IIT बॉम्बे ने। दसवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को जो है कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। और देखिए, इसके अलावा जो आपकी भारत सरकार है, ठीक है, तो इसने जो है COVID-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद के रूप में जो है फिलिस्तीन को जीवन रक्षक दवाएं यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स मुहैया कराने का भी जो है वादा किया है। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को जो टोटल 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। और देखिए, जो ये UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है, ठीक है, तो देखिए इसका मुख्यालय है जॉर्डन के अम्मान में, और इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में की गई थी। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण को लॉन्च किया गया? तो देखिए, जो भारत की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने बिहारी में एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण को जो है लॉन्च किया है। और जो आपका ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम है, तो देखिए ये जो है वैश्विक नेताओं और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के उच्चतम स्तर के प्रमुख नीति निर्माताओं के बीच में विस्तृत बातचीत के लिए जो है एक अद्वितीय श्रृंखला है। और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया? तो देखिए, जो भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, अभी हाल ही में इन्होंने जो है युक्ति 2.0 नामक एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। देखिए, युक्ति का नाम है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और देखिए, जो आपका ये युक्ति 2.0 है, ये जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता इंक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोगों को इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में स्कोर बताना है कि 5 में से कितने नंबर आपके आए, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए कि पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया को किसने लिखा है? देखिए, कल इससे जुड़ी मैंने बहुत ही खास चीज़ बताई थी जो कि इतिहास से रिलेटेड थी, और उसको आप कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि ओलंपिक डे अथवा ओलंपिक दिवस भैया किस तिथि को मनाया था, आंसर बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस मेजर जनरल रिटायर्ड का निधन हो गया जिन्होंने
देश के 1948 और 1971 दोनों युद्धों में भाग लिया था। चौथा कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, आंसर बताइए। पांचवा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो है ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं, इसका आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त है, कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स वीडियो को लाइक करके उसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी सोशल मीडिया के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।